पिछले क्लासेस में हमने एससीपी, सीसीपी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने बताया था कि दो तरह का क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, एक होता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर और एक होता है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको रेस्पेक्टिवली सीसीपी एंड एससीपी कहा जाता है। दोनों तरह के क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर में हमने डिराइव किया था, हमने डिराइव क्या समझाया था थ्रू फिगर कि टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी कहो या एफसीसी कहो, दोनों एक ही चीजें हैं। देखिए, हम सीसीपी स्ट्रक्चर एक बनाते हैं और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड को पोजीशन को दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, एक बड़ा क्यूब बनाया हमने, एक बड़ा सा क्यूब हमने बनाया। ये फिगर आपको हर किताब में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम इसको समझाते हैं आपको कैसे आपको समझना है। ये एक एफसीसी यूनिट सेल बनाया, पोजीशन ऑफ एटम क्या होगा, इसे पोजीशन ऑफ एटम होगा। आप समझ रहे हो कि एफसीसी यूनिट सेल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्मॉल क्यूब कंसीडर करते हैं ऑफ साइड लेंथ ए बाई टू। तो हमने एक स्मॉल क्यूब कंसीडर किया ऑफ साइड लेंथ ए बाई टू, हमने एक स्मॉल क्यूब कंसीडर किया ऑफ साइड लेंथ ए बाई टू। ठीक है, हमने एक स्मॉल मिनी क्यूब कंसीडर किया। ये कंप्लीट लेंथ एज लेंथ जो है, अगर ए है तो हमने ए बाय टू साइड का, ये सारा साइड ए बाय टू साइड का एक मिनी क्यूब कंसीडर किया इन लार्ज क्यूब, इन बिग क्यूब। वन यूनिट सेल है, उसमें एक मिनी क्यूब कंसीडर किया। अगर हम इसमें कुछ पोजिशन ऑफ एटम दिखाना चाहें तो पोजिशन ऑफ एटम हम दिखा रहे हैं इस तरह से। एफसीसी है तो कॉर्नर पे होगा एक एटम, फेस सेंटर पे होगा एक एटम, इस फेस सेंटर पे होगा एक एटम, और गौर करिए ये पीछे वाला जो फेस है उसके फेस सेंटर पे होगा एक एटम। तो इस तरह से आपने देखा, ये पोजीशन ऑफ एटम, चार पोजीशन ऑफ एटम हमने दिखाया। अब अगर हम इन सभी चारों पोजीशन ऑफ एटम को, चारों एटम को जोड़े आपस में, चारों एटम को आपस में जोड़े तो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप का जनरेट दिख रहा होगा। आपको ये दिख रहा होगा कि ये चारों एटम जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का डिफरेंट कोन पोजीशन है, डिफरेंट कॉर्नर वाला पोजीशन है। तो इसलिए टेट्राहेड्रल पोजीशन के जो जो सेंटर पे होगा, यही जो है टेट्राहेड्रल, यही जो है टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। टेट्राहेड्रल जो हमने पोजीशन देखा थ्रू डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट एट एफसीसी सेंटर एंड एट कॉर्नर, सेंटर पे इस मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे एक क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगा। तो हमने ये देखा कि एक यूनिट सेल को अगर हम एक छोटे यूनिट सेल में, छोटे क्यूब में डिवाइड करें ऑफ साइड लेंथ ए बाई टू, तो उस छोटे क्यूब के, उस मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे हम लोग को एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है। अगर हम इस पूरे एफसीसी को इस तरह के मिनी क्यूब में डिवाइड करें तो हमारे पास इस तरह का मिनी क्यूब, आठ मिनी क्यूब बनेगा। जैसे कि देखिए, एक ये बना, एक जस्ट इसके आगे दो, दो इधर बना, दो इधर बनेगा, चार, चार नीचे लेयर पे बना, तो चार ऊपरी लेयर पे बनेगा, चार चार आठ।
तो हर मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉल दिख रहा है। तो क्या होगा, इफ वी डिवाइड यूनिट सेल इन मिनी क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए बाय टू, साइड लेंथ ए बाय टू, देन एट बॉडी सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब, एट बॉडी सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब वन टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म, वन टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म। एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे बनेगा। अब देखो, सिंस देयर आर एट नंबर ऑफ मिनी क्यूब, सच मिनी क्यूब आर पॉसिबल, एट नंबर ऑफ सच मिनी क्यूब्स आर पॉसिबल, सो टोटल नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, टोटल नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो क्या होगा, वो होगा एट। और सिंस सभी का सभी इनसाइड द यूनिट सेल है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन वन होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, एट। अगर आप इसको देखोगे, मतलब आठ लिख सकते हो, अगर आप इसको देखोगे तो ये लिख सकते हो टू इंटू फोर, एंड दिस विल इक्वल टू इंटू रैंक ऑफ एफसीसी या सीसीपी जो भी कहो। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आपने देखा कि दुगना आ रहा है रैंक ऑफ सीसीपी के इन सीसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली इन एससीपी स्ट्रक्चर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी इक्वल टू टू इंटू रैंक ऑफ एससीपी, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिक्स, टू इंटू सिक्स मतलब ट्वेल्व। रैंक ऑफ एससीपी कितना होगा, ट्वेल्व होगा। रैंक ऑफ एससीपी सिक्स होता है, इसलिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन वन यूनिट सेल ऑफ एससीपी विल बी इक्वल टू ट्वेल्व। तो आपको याद रखना है कि क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर में, चाहे वो सीसीपी हो चाहे वो एससीपी हो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी ट्वाइस ऑफ दोज रैंक ऑफ क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। सीसीपी में रैंक होता है चार, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या हो गया आठ। एससीपी में रैंक होता है छह, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या हो गया ट्वेल्व, ठीक है। अब लोग पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होगा। हमने देखा इस एनालिसिस से बकायदा कहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और एज वेल एज कितना संख्या होगा, रैंक का दुगना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या। हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, एफसीसी का या सीसीपी का स्ट्रक्चर। तो देखिए हमारे पास है ये, हमने एक एफसीसी बनाया स्ट्रक्चर, हमने एक सीसीपी बनाया स्ट्रक्चर, और इसमें पोजीशन ऑफ एटम दिखाया, सारे एटम्स की पोजीशन को हमने मेंशन किया, दिस वन हर कॉर्नर पे एज वेल एज हर फेस सेंटर। ठीक है, हर फेस सेंटर। तो अगर हम इन सभी के मदद से देखना चाहे कि कहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो एक पॉइंट गौर कीजिए, हमने बताया था कि छह म्यूचुअली परपेंडिकुलर आइटम से क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है,
तो ये जो हो गया एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो कि आपको दिख रहा होगा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, छह मिचुअली, दिस वन एंड दिस वन, छह मिचुअली परपेंडिकुलर एटम है जो कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर बना रहा है। सिमिलरली देखिए आप, हमने ये दिखाया कि इस यूनिट सेल में इस फेस पे एटम है, सिमिलरली इसके आगे क्या होगा, फेस सेंटर पे एक एटम होगा, ऊपर एक यूनिट सेल है तो नीचे भी एक यूनिट सेल होगा, उसके नीचे मतलब जो होगा नीचे वाले फेस सेंटर पे भी एक यूनिट एक एटम होगा। तो अगर हम इन तीनों को गौर करें, इन तीनों पेयर को, दिस वन एंड दिस वन, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि एफसीसी के बॉडी सेंटर पे, एफसीसी के बॉडी सेंटर पे एज वेल एज एफसीसी के एज सेंटर पे, जिस तरह से इस एज सेंटर पे आया उस तरह से इस एज सेंटर पे आएगा, उसी हर एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन होता है इन सीसी पेयर स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फाउंड एट, वॉइड्स आर फाउंड एट बॉडी सेंटर एंड एट ईच एज सेंटर। बॉडी सेंटर पे पाया जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और हर एज के सेंटर पे पाया जाएगा। अब देखिए तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हम बात करें इसमें, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि इफेक्टिवली हम लोग एटम का संख्या लेते हैं, तो वन जो बॉडी सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन वन, और जो एज सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन वन बाई फोर होता है इंटू ट्वेल्व, मतलब आप गौर करोगे तो वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर। और ये आप देख रहे हो कि रैंक ऑफ सीसीपी के बराबर है, मतलब इन सीसीपी स्ट्रक्चर, इन सीसीपी स्ट्रक्चर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो क्या होगा, रैंक ऑफ सीसीपी के बराबर होगा। ये आप समझ में आया, साफ है। देखिए हर एज के सेंटर पे होगा तो 12 एज है, 12 एज के सेंटर पे होगा तो 12 यहां पे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो टोटल 13 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है पर एज सेल, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू यूनिट सेल जो होगा उसी को काउंट करोगे इन दैट यूनिट सेल, और एज सेंटर वाले का 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल, इसलिए हमने 1/4 लिखा, तो सीसीपी में होगा। सिमिलरली इन एससीपी स्ट्रक्चर, इन एससीपी स्ट्रक्चर ऑल्सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो क्या होता है, रैंक ऑफ एससीपी के, रैंक ऑफ एससीपी के बराबर होता है। तो आप ये अच्छे समझो कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा रैंक के बराबर होता है इन क्लोजिस्टा के स्ट्रक्चर। समझ में आया होगा, हमने ये पढ़ा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां कहां होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां कहां होगा सीसीपी में, और सीसीपी की मदद से हमने एससीपी में भी लिखा कि जितना रैंक होगा क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर का वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या होगा, और जितना रैंक होगा उसका दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या होगा इन क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं होना चाहिए आपको। और देखिए इस कंसेप्ट बेस्ड बहुत ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, कुछ सवाल हम दो चार करवाते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी के सवाल पूछा जाता है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच, ए ऑप्शन है, एटम ए फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर एंड एटम बी आर प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। इस सवाल को हम करते हैं, देखिए ए अगर एफसीसी बना रहा है इसका मतलब रैंक कितना हो गया, कितना होगा पर एड सेल, ए का 4, सीसीपी या एफसीसी एक ही चीज है, और बी कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में सारा का सारा टेट्राहेड्रल वॉइड में, मतलब रैंक ऑफ बी जो होता है दुगना होता है रैंक ऑफ
क्लोज स्पैक स्ट्रक्चर का होता है 8। तो फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा A4B8, देन कॉमन लेकर के आप लिखोगे AB2। दिस विल द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। दूसरा सवाल हम देते हैं आपको कि एटम ए फॉर्म SCP, CCP स्ट्रक्चर लिखते थे हम लोग, CCP स्ट्रक्चर। एटम बी आर प्रेजेंट एट हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड एटम सी आर प्रेजेंट एट हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम लोग करते हैं, ए जो है बना रहा है सीसीपी, इसका मतलब रैंक हो गया ए का कितना, रैंक ऑफ ए विल इक्वल टू 4। बी जो है क्या है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और इसका मतलब रैंक ऑफ बी हो गया कितना, हाफ इंटू 4, दैट विल इक्वल टू 2। और सी हो गया हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जो क्या हो गया, रैंक ऑफ सी हो जाएगा हाफ इंटू 8, दैट विल इक्वल टू 4। तो इसके आधार पे अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको आएगा A4B2C4, मतलब A2B C2। समझ में आया आपको, हमने बस यही कंसेप्ट यूज किया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या 4 होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या 8 होगा, और रैंक ऑफ सीसीपी 4 होगा इन सीसीपी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह के सवाल को। हम मान लिया एक और सवाल देते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसी में मॉडिफिकेशन किया, सी पॉइंट बी एट हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल एंड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, वेयर एज एटम सी इज प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल वाइड, प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर वाली, जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल से उस पर प्रेजेंट है, इस तरह का सवाल। तो ए जो है बना रहा है क्या FCC या CCP, जो भी कहो। तो रैंक ऑफ ए इज इजली डिटरमाइंड एज 4। ठीक है, बी जो है कहा जा रहा है आपसे कि हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल प्लस हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल है, तो इससे आपको रैंक ऑफ बी पता चलेगा, हाफ इंटू 8, टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या 8, और प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या हाफ इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 + 2 विल बी इक्वल टू 6। और सी के बारे में क्या कहा जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो रैंक ऑफ सी क्या होगा, 1 × 1 मतलब 1। देन इसके आधार पे अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा A4B6, क्या हो गया, C1। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इस तरह का हम आसानी से लिख सकते हैं। अगला एक सवाल और देते हैं हम कि ए जो है फॉर्म सिंपल क्यूबिक यूनिट से, एटम बी आर प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर, ठीक है, एंड एटम सी आर प्रेजेंट एट हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस केस में फॉर्मूला निकालिए। अब देखिए, ए जो है कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर कोई बनाता है तो उसका रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1।
बी जो है और फेस सेंटर पे है, तो फेस सेंटर होता है कितना 6 और सबका कंट्रीब्यूशन टू यूनिट सेल होता है हाफ, तो हाफ गुना 6 मतलब 3। और अगर हम सी की बात करें तो कह रहा हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। गौर कीजिए कि क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास सिंपल कह रहा है ए जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और उसमें बोल रहा है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में। क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड होगा? नहीं होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर में होता है, तो आपको लगेगा कि नहीं होगा, जबकि होगा, यहां पे होना है। कैसे होगा अभी सोचिए, यहां पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सिंपल क्यूबिक में कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड कर दिया। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं रहा, ये दोनों मिल करके अब एफसीसी बना लिया। गौर करिए ए जो है, पहले अभी तक हम लोग यही कर रहे थे कि सेम एटम कॉर्नर पे भी रहता था और फेस सेंटर पे भी रहता था, मतलब अकेले सीसीपी बना रहा था। अब क्या हो रहा है, दो एटम मिल करके ए और बी मिल करके एफसीसी बना रहा है, सीसीपी बना रहा है। तो ये सीसीपी स्ट्रक्चर है ना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इस बात को गौर करिएगा। अकेले ए तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है लेकिन बी के साथ मिल करके वो फेस सेंटर पे सारा प्रोजेक्ट होने के कारण एफसीसी बना लिया है। तो रैंक ऑफ सी जो होगा वो हाफ इंटू एज प्रीवियस कितना होगा 8, मतलब हो जाएगा 4। टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या एफसीसी में 4 8 होता है, तो उसका हाफ किया तो 4 हो गया। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी इक्वल टू ए बी थ्री सी फोर, दिस वाज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि दोनों मिल करके यहां पे क्या हो गया है, ए और बी मिल करके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं रहा बल्कि एफसीसी बना लिया है। अब देखिए कुछ और हम इसमें मॉडिफिकेशन करके सवाल देते हैं आपको, एक और सवाल देते हैं। मान लिया हम एससीपी बनाया और बाकी सब कुछ सेम रहने दिया, बाकी सारा कुछ हमने सेम रहने दिया, ठीक है, लेकिन सी को हम चेंज करते हैं, एटम प्रेजेंट एट हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पोजीशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अलग होगा, इसे चेंज करना होगा। अगर हम ए की बात करें तो एससीपी बना रहा है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हो जाएगा 6, एससीपी का 6 होता है। बी की बात अगर हम करें तो क्या है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल प्लस हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मतलब रैंक ऑफ जो बी होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा दुगना रैंक का 12 प्लस हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा 6, मतलब 6 प्लस 3 मतलब 9। और सी के बारे में कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो रैंक ऑफ सी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 मतलब हो गया 3। तो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, ऑफ कंपाउंड ए 6 बी 9 सी 3 मतलब ए 2 बी 3 सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आपको ए बी सी का पोजीशन दिया हुआ है अलग अलग जगह पर एफसीसी में सीसीपी में वार्ड में टेट्राहेड्रल वार्ड ऑक्टाहेड्रल वार्ड में, तो आप आसानी से फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, हम लोग कुछ और भी सवाल करेंगे इस तरह का जब हम सारे तरह का वार्ड पढ़ा देंगे। अभी तक हम लोग दो तरह का वार्ड पढ़े, टेट्राहेड्रल वार्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वार्ड। अब देखिए इसके पहले हम लोगों ने सभी तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एससी। तो इन सभी पे बेस्ड डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है जो कि ज्यादा पूछा जाता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग डेंसिटी कैसे यूनिट सेल का निकालते हैं ये करेंगे और इसमें कुछ सवाल भी करेंगे अभी। तो देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू, आप समझ सकते हो डेंसिटी का फॉर्मूला, मास ऑफ यूनिट सेल और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, आराम से आप सब लोग समझ सकते हो कि मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अ
एंड मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, रैंक ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन स्पेसिस एक स्पेसिस का मास डिवाइड और इनटू रैंक, तब आप इससे पता चल जाएगा कि आपको क्या होगा टोटल मास जो यूनिट सेल में ऊपर देंगे वो कितना है। अब रैंक इनटू मास ऑफ वन स्पेसिस को आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो, मोलर मास डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देन इसको आप ऐसे कर सकते हो रैंक इनटू मोलर वेट ऑफ स्पेसिस या मोलर मास ऑफ स्पेसिस डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इस तरह से आप निकाल सकते हो रैंक इनटू मोलर मास ऑफ स्पेसिस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एक स्पेसिस का मास मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर होगा, मोल कंसेप्ट भी यूज किया हमने, मोलर मास का मतलब ही होता है एक मोल का मास, मतलब एवोगाड्रो नंबर का मास, एवोगाड्रो नंबर का मास मोलर मास है, तो वन का मास क्या होगा मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी यूनिट सेल का अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो फॉर्मूला ये होगा रैंक इनटू मोलर मास ऑफ दैट स्पेसिस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिए इस पे बेस हम लोग कुछ सवाल करेंगे, तो हम लोग करते हैं कुछ प्रॉब्लम करेंगे इस पे बेस। देखिए क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन FCCLs with density of 2.7 ग्राम पर cc। फाइंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, फाइंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, सवाल ये है, ठीक है। देखिए डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू रैंक इनटू मोलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर और इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दिया है 2.7 ग्राम पर सीसी, रैंक विल बी इक्वल टू 4, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 27 ग्राम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा 6.022 10^23 और इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया AQ। देन AQ विल बी इक्वल टू 4 × 27 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 2.7 इंटू 10^23 कैंसिल हो गया 10 से। तो अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन तो क्या होगा, हमने क्या किया 400 डिवाइड बाय 6.022 किया और इंटू 10^-24 कर लिया सीसी, तो ए विल बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 6.022 का पावर 1/3 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर। दिस विल बी द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो आप आसानी से इस तरह से एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हो बाय यूजिंग डेंसिटी का फॉर्मूला। इसको देखिए कुछ और सवाल हम करते हैं, ठीक है। हम एक सवाल देते हैं कि आयरन क्रिस्टलाइजेस इन BCCLs, मान लो BCCLs में क्रिस्टलाइज कर रहा है विथ ए यूनिट सेल एज लेंथ length 2.5 angstrom. Find the density of iron. Also calculate the number of unit cell present in 50 ग्राम ऑफ आयरन।
आयरन की 50 ग्राम में कितना यूनिट सेल प्रेजेंट होगा? सवाल सुन रहे हैं, आयरन का दिया हुआ है बीसीसी स्ट्रक्चर है और इसीलिए रैंक ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसीसी का रैंक होता है 2। ठीक है, तो हम लोग डेंसिटी ऑफ आयरन हम लोग को सबसे पहले निकालना है, तो रैंक ऑफ आयरन इंटू मोलर वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये फॉर्मूला लगाया हमने। रैंक हो गया 2, मोलर वेट होता है 56 ग्राम, डिवाइड बाय हो जाएगा 6.022 × 10²³ और इंटू 2.5 × 10⁻¹ सेंटीमीटर का होल क्यूब। देन आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 112 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 2.5 का होल क्यूब और नीचे आ जाएगा कितना 10⁻¹, ऊपर जाके हो जाएगा 10 ग्राम पर सीसी। तो दिस विल द डेंसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, पहला चीज आ गया। अब एक बात गौर कीजिए, पूछा जा रहा अगला पार्ट में कि 50 ग्राम आयरन में कितना यूनिट सेल होगा। एक चीज गौर करोगे आप, अब आसानी से निकाल सकते हो कि एक यूनिट सेल में कितना मास प्रेजेंट है, रैंक इंटू मास ऑफ वन स्पीसीज। तो देखिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू टोटल वेट और डिवाइड बाय वेट प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, वेट प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जो वेट प्रेजेंट हो। तो टोटल वेट हमारे पास कितना है, टोटल वेट हमारे पास है 50 ग्राम जिसमें कि हम लोग को निकालना है, डिवाइड बाय एक यूनिट सेल में जो प्रेजेंट होगा 2 × 56 AMU, दिस विल बी द मास ऑफ आयरन प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। तो 50 × 6.022 × 10²³ AMU हमने इसको एमयू में बदल दिया, डिवाइड बाय 112 AMU, तो आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 112 इंटू 6.022 × 10²³ यूनिट सेल। इतना यूनिट सेल होगा जिसमें कि 50 ग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आप आसानी से डेंसिटी से रिलेटेड सवाल कर सकते हो। एक आधा और सवाल हम आपको देते हैं, कुछ सवाल हम लोग आगे भी करेंगे इस पे जब हम क्रिस्टल का टाइप बता देंगे, लेकिन एक सवाल और हम कर देते हैं अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 3, इस कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 3 हम कलेक्ट करते हैं कि मान लो हम कहते हैं कि जिंक क्रिस्टलाइजेस इन टू फॉर्म, जिंक की जगह हम ले लेते हैं चलो एक लेते हैं क्रोमियम, क्रोमियम क्रिस्टलाइजेस इन टू फॉर्म, पहला अल्फा फॉर्म जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर है और दूसरा है बीटा फॉर्म जो कि एफसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो फॉर्म में क्रोमियम क्रिस्टलाइज कर रहा है, इन बोथ फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एटम, क्लोजेस्ट एटम इज इक्वल आर इक्वल आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। ये सवाल हम देते हैं आपको, देखिए अगर हम बात करें पहला अल्फा फॉर्म का, बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल टच इच अदर, ये आपको बताया गया वहां पे कि एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल टच इच अदर, तो बॉडी डायगोनल का रूट लेंथ होता है ए, तो 4r विल बी इक्वल टू √3। मान लो अल्फा वाले का, अल्फा फॉर्म वाले का साइड लेंथ ए, तो 2r विल बी इक्वल टू क्या होगा, √3 ए अल्फा डिवाइड बाय 2, और 2r जो है डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एटम है,
डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एटम इन अल्फा फॉर्म हमने निकाला, इट रूट थ्री अल्फा ए अल्फा बाई टू होगा। दूसरा हमने क्या कहा, बीटा फॉर्म है हमारे पास जो होता है एचसीसी, मतलब इसमें एटम्स अलोंग फेस डायगोनल, एटम्स अलोंग फेस डायगोनल टचेस ईच अदर, जो फेस डायगोनल के अलोंग एटम होता है वो टच करेगा, तो यहां पे होगा फोर आर इक्वल टू टू ए अल्फा ए बीटा, देन दिस इंप्लाइज दैट टू आर जो कि होगा डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम विल बी इक्वल टू रूट टू ए बीटा बाय टू। अब देखो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एटम है अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में वो दोनों बराबर, टू आर जो अल्फा फॉर्म में है टू आर जो है बीटा फॉर्म में वो बराबर, टू आर जो अल्फा फॉर्म में है वो टू आर बीटा फॉर्म में बराबर है, मतलब रूट थ्री ए अल्फा बाई टू विल बी इक्वल टू रूट टू ए बीटा बाई टू, देन ए अल्फा बाई ए बीटा विल बी इक्वल टू रूट थ्री बाई रूट टू बाई थ्री, ठीक है ये दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा क्या गया था कि डेंसिटी ऑफ अल्फा डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ बीटा क्या होगा, तो जेड ऑफ अल्फा इंटू मास डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इंटू ए अल्फा का होल डेंसिटी का फॉर्मूला, जेड हुआ हमने लिखा रैंक इन अल्फा फॉर्म, मास डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास अवोगाड्रो नंबर अल्फा बीटा नहीं लिखा बिकॉज सेम एटम क्रिस्टलाइज कर रहा, सेम एटम क्रोमियम तो मोलर मास तो सेम ही होगा, जेड बीटा इंटू मोलर मास डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इंटू ए बीटा का होल क्यूब, ये सब कैंसिल हो गया, बचा क्या जेड अल्फा बाय जेड बीटा आई इंटू ए बीटा डिवाइड बाय ए अल्फा का होल क्यूब। डेंसिटी ऑफ अल्फा डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बीटा फॉर्म जेड अल्फा, अल्फा फॉर्म है बीसीसी तो उसका रैंक होता है दो, बीटा फॉर्म है एफसीसी तो उसका रैंक होता है चार, अगर हम ए बीटा बाई अल्फा लिखे तो रूट थ्री बाई टू का होल क्यूब, देन दिस विल इक्वल टू हाफ थ्री बाई टू एंड अंडर रूट थ्री बाई टू, मतलब थ्री बाई फोर अंडर रूट थ्री बाई टू, दिस विल द डेंसिटी रेशियो ऑफ अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो इस तरह से हमने देखा डेंसिटी से रिलेटेड आप सवाल कर सकते हो, डेंसिटी में बेस्ड सवाल हम लोग आगे भी करेंगे जब हम आपको टाइप ऑफ सॉलिड्स बढ़ा देंगे।